नमस्कार दोस्तों, आज ये लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर। ये है हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर या इन्वर्टर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर वैसे भी तीन चार किस्म के होते हैं, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये अपनी किस्म का एक ये भी ट्रांसफार्मर है, जिसकी रेटिंग देख सकते हैं 0 to 28 volt, 0 to 143। ये इसकी स्टेप्स वाइंडिंग है। तो हुआ क्या है, ये जल गया है। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप। तो इसका ये पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन है, जला हुआ है। एक जस्ट वेट। हाँ जी, जैसे आपको क्लियर ही नज़र आ रहा है, ये जो इसका हिस्सा है जला हुआ है, ठीक है। तो नीचे से भी आपको देख सकते हैं ये जला हुआ ट्रांसफार्मर है। तो इस वीडियो में दिखाएंगे आपको इसको खोलते कैसे हैं और इसको रीवाइंड कैसे करते हैं, फिर से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जी, इसके जो कनेक्शन है वो देख लीजिए, ये आपको सब हटाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, एक करके सभी हटाने पड़ेंगे। चलो, तो आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी हटा सकते हैं, अगर ना निकले तो आप प्लायर का यूज़ कर सकते हैं ऐसे निकालने के लिए। तो ये हमारे सभी कनेक्शन निकला है बाहर, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये इसको चाबी बोलते हैं, इसको और भी नाम होंगे इसके। तो ये खोलकर आप ये ऊपर वाली स्ट्रिप जो है वो हटा लेंगे पहले हम, जैसे कि इसका टाइट लगा हुआ। सर्दियों का मौसम है तो आप ही दिल नहीं करता काम कर। तो ये निकाल दिया, इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, रेटिंग लिखी हुई है 30 एम्पेयर 8 वे, यानी कि ये 8 पोल हैं इसके, 8 वे। तो 8 वे के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नीचे लगे हुए हैं जो स्क्रूज या स्क्रू हैं वो भी निकाल लेंगे। इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है इनको ओपन करना, क्योंकि इनको वार्निश किया गया होता है, जिस वजह से इनको खोलना बहुत ओपन होता है। एक मिनट में एक नट खोल रहा हूँ, ऊपर के नट खुल चुके हैं। तो अब जैसे कि नीचे वाले खोलने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास कौन सा स्पाइनर है। तो स्पाइनर के हिसाब से, नट ड्राइवर के हिसाब से, जो भी आपके पास है, तो उनसे आप ये खोल सकते हैं। काफ़ी टाइम लगता है इनको खोलने में, तो टेक योर टाइम एंड ओपन। देखते हैं उसके बाद, ये नट बहुत टाइट हैं, तो मैंने तो सेफ्टी के लिए क्लैप्स डाल ली हैं। इससे क्या होगा, अगर ये जो कॉर्नर होते हैं, ये एजिस होते हैं ट्रांसफार्मर के, अगर लगेंगे तो दर्द वगैरह या पेन ही होगी या हाथ कटेगा नहीं, उससे बच मेरा सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये नट निकला है, कम से कम 5 मिनट लगे होंगे इसको निकालने में। उसके बाद इसको खोलेंगे, देख सकते हैं जैसे ये निकल चुका है हमारा स्क्रू, ऐसे प्लास्टिक बना हुआ है, वो भी कुछ ऐसे किस्म का बना होगा। इसे डालकर इसे लगाएंगे, देखिए। एक साइड हो गई क्लियर इसकी, अब दूसरी साइड की बारी है। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर की है, इसकी जो क्या कहते हैं, सभी जो उसके लेग्स हैं निकल चुकी हैं सपोर्ट करने वाली। तो अब बारी आ जाती है इसकी, क्या कहते हैं इसको, इसकी स्ट्रिप निकालने की, पतरी निकालने की।
तो पुतली निकालने का तरीका कि उसको ठोकना पड़ेगा, ठोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है। देखिए आप ये दाना देख पा रहे हैं, ये जो एक लाइन है यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूस क्या है कि छोटे छोटे हल्के हल्के ये सुराख बने हुए हैं, पर यहाँ आकर कुछ नहीं है, यहाँ देख सकते कुछ नहीं है। तो अगर आप इधर से ठोकना शुरू करेंगे तो ये जल्दी खुल जाएगा। उसका डेमो देता हूँ आपको एक में, एक मिनट आप कहाँ जरा। हल्के से इसके ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, हल्की हल्की सी चोट लगानी पड़ेगी मुझे, बहुत ही आराम से करने का काम है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से लगाओगे तो आपकी जो स्ट्रिप है पतली है वो ख़राब हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इधर से देखेंगे तो थोड़ा सा बन चुका है रास्ता निकलने का, उसका टेस्ट स्ट्रिप निकल गई है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, देखिए देख पा रहे हैं कि एक जो मूवमेंट हो चुकी इसमें। तो सबसे आसान तरीका है इसको, इसको हल्के से ऐसे ऐसे करते रहेंगे ऊपर, तो हमारी ये स्ट्रिप निकला ही एक, ठीक है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ये निकल आया समझो इसका सारा काम हो गया। अभी इतना नहीं हुआ बट टाइम लगेगा, बट ये अभी इतना है कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी काम करने में। तो हल्की हल्की से लगाते रहेंगे आप, हल्के हल्के से दोनों तरफ से लगाएंगे आप, तो इतने करना है आपने, लगाते रहें। तो निकालने से पहले जैसे मैं अभी दूसरी तरफ आ चुका हूँ तो दूसरी तरफ से भी निकालने लगाऊँ, तो जो जो स्टिकर लगा हुआ है अगर तो आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो ज़्यादा इट विल बी बेटर कि आप इसको लिख के रख लें कहीं, या इसकी फ़ोटो खींच के रख लें, ताकि जो आपको आगे अगर ट्रांसफर को बाइंड करना होगा तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको मैं चाहें तो उसको आप रख भी सकते हैं निकाल के, कोई बात नहीं है। नहीं चाहिए तो फिर आराम से जो नहीं लगाना, हल्के हल्के से ही जितने निकाल पाएंगे आप उतना अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम लेगा जी। तो वैसे तो ये खुल नहीं रहा, तो एक और रास्ता इसको खोलने का, नकली चीज़ लेके हल्के हल्के से अकेले अकेले को आपने वार्निश फ्री करना है। टाइम लेंथ प्रोसेस लेंथ ही है, पर जो खुलेगा फिर ऐसे ही क्योंकि इसको अच्छी तरह से वार्निश किया गया। तो एक ऐसा भी सेटअप बना लिया मैंने, मेरे पास एक पड़ा हुआ था स्पाइनर पुराना सा, थोड़ा सा हेल्दी, एक मोटी वाली स्ट्रिप निकाल के मैंने उसको नीचे से चोट लगाई है तो ये बाहर आ गया है। तो इसको अब हल्के हल्के से मैं इसको लगाता जाऊंगा और ये बाहर आ जाएगा, ये निकलाएगा तो मेरा काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। ये निकालने के बाद फिर मैं इसको स्पाइनर को इधर डालूंगा, इस तरफ में, इस तरफ से ये पत्ती निकलाएगी बाहर, तो उसके बाद इजीली एक करके सबको निकाल लूँगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब जैसे कुछ देख सकते हैं आप, एक साइड तो एक साइड की पत्री निकल आई है, इस साइड की, इस इधर देखिए ट्रांसफार्मर की तरफ, तो इस साइड की पतरी मैंने निकाल ली है। तो ये मैंने जो निकालने के लिए ये ई टाइप, ये ई और आई ट्रांसफार्मर है, जैसे स्ट्रिप ये ई और ये आई, इसको बोलते हैं ई आई। कवर नंबर मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये लगभग 2 से 2.5 इंच के आसपास है इसकी कवर। तो अभी फंस गया है ये एक, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो इधर की तो सारी निकल गई हैं स्ट्रिप्स आई, इधर की रह गई हैं आई। तो हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से, जैसे सुनार सुनहरा सुनार लगाता है ना, हल्के हल्के से लगाएं, लगाते रहिए। और बेस्ट तरीका यही है जी, जो आई है आई निकालनी है आपने, तो आई निकलेगी नहीं ऐसे, तो नीचे तक जाना पड़ेगा आपको ऐसे रख कर, तो ऐसे निकलेगी आपकी आई बार। तो ऐसे कर करके आपको मैक्सिमम निकालनी है, क्योंकि इनको वार्निश किया होता है ना, तो उसकी वजह से ये आपस में चिपकी होती हैं। तो इससे तो आपके पास हार्ड नाइफ हो तो उसको थोड़ा तीखा करके आगे से, अभी मेरे पास वो है नहीं तो फिलहाल मैं स्क्रू ड्राइवर से काम चला रहा हूँ। काफ़ी हद तक काम हो चुका है,
तकरीब पहली बारी पत्रियों को निकालने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया, मैक्सिमम इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया है, कम से कम 40-45 मिनट से कर रहे हैं काम। अब जैसे दूसरी साइड ख़त्म होने वाली है तो ऐसे हल्के हल्के से लगाने से भी ना, ये भी एक ट्रिक बता देते हैं, तो हल्के हल्के से ऐसे करोगे बिल्कुल आराम से ये आगे बाहर, तो हाथ ही बांध जाएंगे ये बाहर। जैसे इधर 3-4 रह गए हैं, नहीं तो फिर बाकी जो नहीं आ पा रहा बाहर उसको बाहर निकालने का तरीका वही है। तो जैसे कि सारी देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से आई निकल चुकी हैं टोटली, अभी जो बची ई बची है, तो ई निकालना भी इतना आसान नहीं है, कुछ ई तो निकाल दी है, एक इकट्ठी वाली ई थी वो निकाल दी है, तो कुछ निकालनी बाकी है अभी। उसके लिए तो आपके सबसे पहले एक स्केल चाहिए आपको, जो मेटल का स्केल चाहिए। तो अगर हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे ना, ट्राई कर लेते हैं निकलता कि निकलता, देख सकते हैं पूरा जोर लगा लिया बट इम्पॉसिबल। तो निकलेगा वैसे ही, इसको भी सेंटर में डालना पड़ेगा, तो हल्के से देख सकते हैं आप उस तरफ से एक ही बार आई है।
अगर आपको नहीं पता कितनी टर्नें डालनी है, मैं आपको फार्मूला बाद में बता दूंगा भी कैसे कार्ड से काउंट करते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप इस हिसाब से भी अकेले के लिए काउंट निकाल कर काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से वाली टर्न पे कौन सी तार लगी हुई है, ये वाली कहाँ पर है, ये वाली कितने पे आती है, ये कितने पे आती है और ये वाली कितने पे आती है, ठीक है जी। तो इससे आप काउंट कर सकते हैं अगर अगर ठीक है जी। ये लास्ट वाली थी आपकी 280 वाली जो मैंने खोली अभी, हम उल्टे चले हैं, 280 वाली है, ठीक है। तो इसको बाद में खोल के आपको काउंट करके बता दूंगा मैं इसमें कितने टर्ने थी, ठीक है जी, आपको रफली बता दूंगा इसमें कितने टर्ने थी और इन दोनों में भी कितनी कितनी थी वो भी बता दूंगा आपको। तो ये था हमारा ट्रांसफर।